इंदौर में एक विवाहित महिला ने दहेज के लोभियों से तंग आकर सुसाइड कर लिया है। पूरा मामला एरोड्रम थाना क्षेत्र का है, जहां दहेज की मांग करने के बाद ससुराल वालों के तनाव में महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एरोड्रम थाना क्षेत्र में इस मामले में महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है, तो वहीं ससुराल वालों पर दहेज की मांग करने के आरोप लगाते हुए हत्या करने का आरोप भी लगाया गया है। आपकी बच्ची का दुर्गा, क्या उम्र थी? 25 साल। कब हुई थी शादी इनकी? 2.5 साल। कहाँ पे हुई शादी? खड़ोला है, चारवा खड़ोला। तो इंदौर में कहीं रहते थे ये? हाँ, एक मिनट है, इंदौर में रहते थे। अच्छा, तो कैसे डेथ हो गई आपकी बेटी की? मार दिया। कोई फांसी लगाने तो बतला रहे हैं डेथ हुई? अब हम तो थे नहीं साहब, लड़की को तो शादी के बाद ही टॉर्चर करना हमने शुरू कर दिया था। क्या करते थे? दहेज, पैसे, दो तीन सौ, वो दो सारी चीज बहुत ज़्यादा परेशान करके रखा था। दो बार हम समझाने के गए उनके घर भी, चार लोग वहाँ भी गए, चार लोग उनको बुलवाया। बच्चे अच्छे हैं कोई इनके? नहीं, बच्चे। आप कहाँ के रहने वाले हैं? छिदगाँव में, तहसील टिमंडी जिला। पति का क्या नाम है? आपके दामाद का क्या नाम? राज। क्या करते थे ये? कंपनी में थे। अच्छा, तो कौन परेशान करता था? ये पांच लोग था। कौन? इसका माता पिता, राज, उसकी एक बहन और एक उसका देवा। दुर्गा पति राज नारायण बाशिंदे, उम्र 25 साल, निवासी डी 252 स्क्रीन नंबर 51। कैसे डेथ हुई थी? प्रथम दृष्टा ये फांसी का पता चला, फांसी लगाने से हुई। कल रात में कोई कारण है? अभी तो घर वाले इनसे, पिताजी से, लड़के के पिताजी से बात हुई तो उन्हें परेशान कर रहे थे। पति अति क्या करता है? पति को फैक्ट्री में काम करता है। कोई सफाई नोट मिला कुछ? अभी तक तो कुछ नहीं मिला, देखते हैं। अब तो सील कर दिए घर, घर जाकर पहले तो कहाँ की घटना है? ये नंबर 51। आपका नाम बताओ? सब इंस्पेक्टर।